मॉर्निंग फ्रेंड्स, संडे की सुबह हो गई है, 8:30 हो गए हैं। चाय मंगाई, चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा लेट कर दिया मैं, धूप बहुत अच्छी है, आज धूप बहुत तेज निकली है। आ जाइए तो कई जगह रोड ट्राई करने के बाद बाद में एक रोड खुला और हम उससे करीब 2:30 बजे यहाँ इस होटल में, ये होटल विक्ट्री ना जो था, होटल विक्ट्री में हम पहुंचे कल 2:30 बजे। और उसके बाद हम बस शाम को बाल रोड पे गए, वहीं लंच डिनर नहीं किया ना, लंच ही तो किया 3-4 बजे, 3 बजे करीब, हाँ 3-4 बजे लंच करी, हाँ 6 बजे करीब वापस आ गया। आगे फिर हम गए नहीं क्योंकि इतना हैवी लंच था कि डिनर की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अब तक का, अब बस उठे हैं और अब आज निकलेंगे भी शाम को, 6 बजे की ट्रेन है यहाँ से, 6:30 की शायद टॉय ट्रेन शिमला रेलवे स्टेशन से कालका के लिए, और कालका से फिर 11:55 की वो है नेताजी एक्सप्रेस जो है दिल्ली तक के लिए। तो ये आज का कार्यक्रम है, अभी क्या क्या करते हैं, कहाँ जा सकते हैं, धूप तो निकली हुई है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आज भी कुछ कोई जगह अगर छोटी मोटी आसपास की कवर हो जाए। पता नहीं कुफरी पे कितना खुला है कि नहीं खुला, तो बस चाय पीते हैं और पहले फ्रेश होते हैं, फिर नहाते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी से। चलिए बाद में मिलते हैं, जहाँ भी जाएंगे बताएंगे आपको, अपडेट करेंगे। तो अभी संकट मोचन मंदिर जाना, क्योंकि वो दूर पड़ता है ना सर, थोड़ा तो दूर है, कितना दूर होगा? 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। 4 किलोमीटर बाकी तीन ही बगल में यहाँ पर साइड से निकल, बाकी कहीं इधर के जान तो नहीं होगा ना नहीं। रोड पे ट्रेन तो 5:55 की है, लेकिन वो जो सामान है ना लगेज, वो 5 बजे बंद कर देता है, वो कह रहा है कि आप 4:30 तक आ जाएगा, 5 बजे बंद कर देता लगेज, उसको तो कैसे करेंगे। 4 बजे कितना टाइम हो गया, 2 बज गए? नहीं, 1:15 1:30 तक पहुँचा दोगे तब भी हो जाएगा। तो अब गाड़ी बुक की है, थोड़ा ही टाइम है हमारे पास, लेकिन हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हनुमान टेंपल, संकट मोचन हनुमान टेंपल। ये बड़ा फेमस टेंपल है यहाँ पे। टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि शाम की ट्रेन है शिमला ही रेलवे स्टेशन से, जो टॉय ट्रेन है वो कालका तक की हमने बुक की हुई है, और वहाँ से फिर हमें बुक करनी है नेताजी एक्सप्रेस दिल्ली तक के लिए। तो थोड़ा टाइम है, जाखू मंदिर कुफरी सभी बंद है बर्फ़ की वजह से, स्नो इतनी ज़्यादा है कि रास्ते बंद है वहाँ के। फिर सोचा था कि लाल देहरा या मशोबरा होके आए, लेकिन वो भी जगह बता रहे रोड बंद है वहाँ के, तो अभी कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, सिर्फ आसपास का कुछ देख पाएंगे। तो अभी चल रहे हैं संकट मोचन टेम्पल, हनुमान जी का जो टेम्पल है वहाँ पहुँचते हैं, और समय रहेगा तो आसपास की जगह ही, जहाँ भी खुला होगा वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि शाम को फिर हमें वापस अपने घर के लिए निकलना है। तो बस ये देख रहे क्या क्या कवर कर पाएंगे हम, बर्फ़ ने बहुत मज़ा तो दिलाया लेकिन साथ साथ ऑप्शन भी बहुत सीमित कर दिए घूमने के। फिर भी ये रास्तों से जो गुजर रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हर जगह देखने में बहुत ही याद रहेगा हमेशा ये।
तो है इस साइड नहीं है, जो दूसरा साइड है ना शिमला का लक्कड़ बाजार साइड में, वहाँ तो रोड ही क्लोज है अभी क्योंकि वहाँ धूप नहीं पड़ती ना। अच्छा, वो शेडो का एरिया होगा ना। हाँ हाँ सर, जहाँ बर्फ सामने धूप पड़ेगी तो जल्द पिघलेगी। तो हम आ पहुंचे हैं संकट मोचन टेंपल हनुमान जी का जो मंदिर है। फोटोग्राफी हो गई तो पूजा कर ली जाए। बाबा नीम करौली ने बनाया था, मतलब इसको एस्टेब्लिश किया था 1950 में। उन्होंने सोचा था जब वो यहाँ 10-12 दिन आके रुके थे बाबा नीम करौली, तो उन्हें यहाँ लगा था यहाँ हनुमान जी का टेंपल होना चाहिए, ऐसी कुछ उनको अनुभूति हुई। वो 10-12 दिन यहाँ रुके थे और यहाँ इसके फॉरेस्ट एरिया में रहे थे, वो योगा वगैरह उन्होंने किया था यहाँ पे। तो फिर बाद में उन्होंने ये टेंपल बनाया और 21 जून 1966 को मंगलवार के दिन इसका उद्घाटन आम पब्लिक के लिए कर दिया गया था। कितने का है? 20 का मैम, 51 का, 101 का मैम। ये क्या खट्टी इमली है? खट्टी मीठी मसालेदार चटपटी स्पेशल। आ तो सर, राहुल भाई बन गई। ये ऐसे पंडित जी को दे देना, पंडित जी को बता देना खुश रहेंगे। ये कुछ धागा वगैरह भी है वहां से? धागा ले जा सकते हैं मैं ऐसे टच करके घर में। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ, मैं पंडित जी से टच करा के। कितना का दे? कौन सा दे दूं? बोलो, ये वाला चाहिए आपको? नहीं, गले में डालने वाला चाहिए। गले में चाहिए आपको? हाँ, पर ऐसा गुथा वाला चाहिए मुझे। गुथा ये वाला भी है, रेड कलर का है, दिखाइए। ये वाला ये 10-10 धागा पूरा गले में बांधने वाला है। हाँ। गुथा हुआ नहीं, पूरा गुथा हुआ जो होता है वो। फिर ये फिर हाथ में बांधने से, ये गले के लिए, ये भी गले के लिए है। सिंपल में सिंपल वो दिखाना, पीछे जो है कौन सा काला वाला? काला वाला पीछे जो है वो गुथा हुआ लग रहा है बीच का? नहीं नहीं नहीं, गुथा नहीं, कोई नहीं। वो वाला गुथा हुआ नहीं लग रहा? नहीं नहीं, वो नीचे पीछे जो है? नहीं मैम, ऐसे ही है, सिंपल दादी। अच्छा, सिंपल दादी। हाथ में तो बांधते नहीं तुम, हाथ में बांधने के लिए ले लो धागा। देना कौन से दे दो, हाथ में बांधने में ले दे। हाथ में बांधने वाले कितने दिन? कौन सा ये कलर चाहिए? ब्लैक में चाहिए? ये वाला नहीं, लाल 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 वाला। ये वाला ना कितने? एक ही? हाँ, 20 रुपये। 30 रुपये तो बड़ा महंगा नहीं? अच्छा, इसको खींचते हैं तो बन जाता है? हाँ, 20 रुपये।
ये तो मैंने ऑन कर रखा है, रिकॉर्डिंग हो रही। जाखू मंदिर के बाद ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है शिमला का, और टूरिस्ट भी और यहाँ के लोकल्स भी एवरी डे यहाँ पे आते हैं, और आसपास की लस ग्रीन फॉरेस्ट से आती हुई ठंडी हवा और आसपास का एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, चारों तरफ ग्रीनरी, लस ग्रीन जंगल, लस ग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ से आती हुई ठंडी हवा, आसपास का सेरेन ट्रैंक्विलिटी और शांति प्रिय बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन तो करता है यहाँ थोड़ी देर बैठे, लेकिन टाइम की बड़ी टाइम बाउंड है बड़ा हमारा। तो जैसा कि बताया था मैंने, ये बाबा नीम करौली ने भगवान हनुमान का ये टेंपल बनाया, 1966 में इसका इनॉग्रेशन हुआ आम पब्लिक के लिए, और लश ग्रीन फॉरेस्ट एरिया के बीच ये स्थित है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी मौका मिलता है इतने पीसफुल आसपास लश ग्रीन फॉरेस्ट एरिया, कभी कभी मौका मिलता है ऐसी जगह पे आने का, बस ट्रेन की प्रॉब्लम है कि समय बहुत सीमित है और हमें जल्दी ही बस निकलना होगा यहाँ से। सोच रहे हैं एक दो जगह और कवर हो जाए शाम से पहले, स्टेशन पर सामान जमा है, वो 5 बजे वहाँ का ऑफिस बंद हो जाएगा तो सामान भी वहाँ जमा हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 5 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। दर्शन अच्छे हो गए दोस्तों, है बाबा नीम करौली जी का भी वहाँ मंदिर है छोटा सा, है ना, भवाली से आगे है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, संकट मोचन बजरंग बली हनुमान जी के। कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा, सुकून है, पीसफुल और सुकून है, शांति है, शांति बहुत है, और आसपास का जो सारा ही एटमॉस्फेयर है ना, सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत है, सबसे बड़ा शांति बहुत अच्छी है, शांति बहुत अच्छी लग रहा है कि यहाँ बैठो। हाँ उन्होंने मना, लेकिन टाइम नहीं होगा ना, मन तो कर रहा थोड़ी देर यहाँ बिताए, देखते हैं और कहाँ कहाँ तक, चलो फोन करना या क्या करना। बहुत अच्छा शांति प्रिय लग रहा है, तो अभी तो इस टेंपल का आनंद ले रहे हैं, एक अलग ही अनुभूति है इसके अंदर, एक दिव्य माहौल है, और स्ट्रॉन्गली मैं रिकमेंड करता हूँ कि मस्ट विजिट प्लेस है, एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहिए जो भी शिमला आता है। जाखू टेम्पल ऑफ कोर्स एवरीवन गोज देयर, और यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, टूरिस्ट भी और लोकल्स भी, तो मस्ट विजिट प्लेस है। टाइम कम है और कई पॉइंट कवर करने हैं, दे दो कुछ दे दो, चलो।